हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनोज। वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्स करेंगे हाई सिक्योर का सोलर 4G कैमरा। अब ये जो कैमरा है हमने एक कस्टमर के लिए मंगवाया है जिसे अपने खेत में इस कैमरे को लगाना है और वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो वहाँ पर सिर्फ सोलर कैमरा ही यूजफुल हो सकता था और ये जो कैमरा है वो लगेगा एक पोल पर। तो आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि क्या क्या इस बॉक्स में मिलता है, कैसे हमने इस कैमरे को इंस्टॉल करना है और क्या क्या इस कैमरे के फीचर है। तो विदाउट एनी डिले चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, इट्स टाइम फॉर अनबॉक्सिंग। लेट्स सी कि हमें बॉक्स में क्या क्या मिलता है। सो, सबसे पहले हमें मिलते हैं यूजर मैनुअल, उसके बाद हमें मिलता है पैनल। सो, ये है सोलर पैनल विद चार्जिंग केबल जिसके थ्रू हमारा कैमरा चार्ज होगा। सो, नेक्स्ट हमें मिलता है ये 4G सोलर कैमरा जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सो, उसके बाद हमें मिलते हैं कैमरे के कुछ स्क्रू। नेक्स्ट हमें मिलता है सोलर पैनल माउंट स्टैंड जो कि यूज होगा सोलर पैनल को लगाने के लिए। सो, नेक्स्ट हमें मिला है कैमरे का स्टैंड। लास्ट हमें मिलते हैं पोल माउंट रिंग्स। सो गाइज, यहाँ पर है सोलर कैमरे का पैनल जो कि यूज होगा और एक बार मैं पोजिशन दिखा देता हूँ। हमें इस पोल पर लगाना है कैमरा और ये रहा हमारे पास कैमरा, सोलर कैमरा। अब इसकी देखिए काफ़ी सारी खास बातें हैं। सबसे पहले तो 2-way कम्युनिकेशन है इसमें, इसमें आप सिम डाल सकते हो। स्टैंड अलोन कैमरा है, सोलर पैनल से पावर लेगा, अलग से आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। कोई पावर नहीं देना, कोई इंटरनेट नहीं देना, सिम लगाओगे आप, सिम से इंटरनेट लेगा और जो पावर है वो पैनल से लेगा। तो इस तरह का ये कैमरा है और कलर्ड कैमरा है, 2-way कम्युनिकेशन है, इन शॉर्ट सभी कुछ है इस कैमरे में। और मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर अगर आप इस फ्लैप को ऊपर करोगे तो यहाँ पर आपको सिम कार्ड का और जो मेमोरी कार्ड है उसका स्लॉट मिल जाएगा और साथ में रीसेट बटन भी मिल जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप सिम कार्ड भी डाल सकते हो और जो मेमोरी कार्ड है वो भी डाल सकते हो। और साथ में जो पैनल कनेक्ट होगा वो होगा यहाँ पर। इस रबड़ को आप अगर डाउन करोगे, ये देखिए इस तरह से, तो यहाँ पर सी पोर्ट दिया गया है जिसके थ्रू ये जो हमारा कैमरा है वो कनेक्ट हो जाएगा। और साथ में यहाँ पे पावर ऑन ऑफ का बटन भी दिया गया है, तो पैनल को आप इजीली यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। तो ये रहा हमारा पैनल। अब इस पैनल की देखिए यहाँ पर ये वायर दी गई है, काफ़ी लंबी वायर है, तो आप अपने अकॉर्डिंग हाइट को एडजस्ट कर कर और जो पैनल की डायरेक्शन है उसको एडजस्ट कर कर लगा सकते हो। सो, सिंपली आपने पैनल की केबल को कनेक्ट करना है कैमरे के सी पोर्ट से और उसके बाद बटन को ऑन करना है और हमारा कैमरा ऑन हो जाएगा। अब इस कैमरे में इनबिल्ट बैटरी भी है जो पैनल के थ्रू चार्ज होगी और बैटरी ऑलरेडी चार्ज आती है। जब भी आप नया परचेज करोगे बैटरी ऑलरेडी चार्ज आती है, तो आप कहीं पर भी इसको लगाने से पहले, इंस्टॉल करने से पहले ही इसको सेटअप कर सकते हैं। अलग से आपको पावर वगैरह की किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपली आपने कैमरे का जो बटन है उसको ऑन करना है और कैमरा आपका ऑन हो जाएगा। और पहले ही इसको सेटअप करना है, एक बार हमने मोबाइल से पहले ही इसे कनेक्ट कर दिया और उसके बाद आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। तो काफ़ी ईजी सेटअप है। और यहाँ पर देखिए बैक साइड में स्पीकर भी दिया गया है, 2-way कम्युनिकेशन है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि माइक भी है इसमें, स्पीकर भी है, तो ईजिली आप बात भी कर सकते हो कैमरे के थ्रू। वन मोर थिंग मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसकी बैटरी कहाँ है। तो देखिए ये जो बैक कंपार्टमेंट है इसके अंदर इसकी बैटरी है जो पैनल के थ्रू चार्ज होगी और आराम से आपको 2 दिन का बैकअप दे देगी। सो, अभी हम कैमरे में इंसर्ट करते हैं सिम कार्ड को। तो मेरे पास यहाँ पर जियो का सिम कार्ड है, इसको हमने इंसर्ट करना है इस तरह से। अब यहाँ पर सिंबल भी बने हुए हैं कि किस तरह से आपने सिम कार्ड को पकड़ना है और उसके अकॉर्डिंग ही आपने सिम कार्ड को इंसर्ट करना है कैमरे में। इंसर्ट करने के बाद पिन से आपने प्रेस कर देना है। तो अभी हम लेंगे मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड को भी आपने उसी तरह से इंसर्ट करना है जिस तरह से आपने सिम कार्ड को किया और उसके बाद पिन से हल्का सा पुश कर देना है। पुश करोगे आप तो एक टक की आवाज़ आएगी जिसका मतलब होगा कि जो आपका सिम है या फिर मेमोरी कार्ड है वो प्रॉपरली इंसर्ट हो चुके हैं कैमरे में। सो, दोनों को इंसर्ट करने के बाद आपने रीसेट बटन को ज़रूर प्रेस करना है। तो जब भी आप फर्स्ट टाइम कन्फिगर करो कैमरे को तो आपने एक बार कैमरे को रीसेट जरूर करना है। सो, यहाँ पर हमारा कैमरा सक्सेसफुली रीसेट हो चुका है। तो अभी हम इसे ऐड करेंगे अपने फ़ोन। सो गाइज, अभी हम आ चुके हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पर। तो आपने जाना है इजी क्लाउड ऐप पर। तो यहाँ पर ये ऐप दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने रजिस्टर कर लेना है। अब मेरा जो अकाउंट है वो पहले से ही बना हुआ है, तो हमने ऐड डिवाइस पर जाना है। और ऐड डिवाइस पर जाने के बाद जो कैमरा है उसका जो QR कोड यहाँ पर ऊपर दिया गया है उसे हमने स्कैन करना है। तो यहाँ पर देखिए QR कोड स्कैन हो चुका है। सो, यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी ये 100% कम्प्लीट होने के बाद हमारा जो कैमरा वो ऐड हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा कैमरा ऐड हो चुका है। तो यहाँ पर आपने कन्फर्म करना है। कन्फर्म करने के बाद जो ये QR कोड आया इसको आपने सेव कर लेना इन फ्यूचर यूज़ के लिए।
और यहाँ पर हमारा जो कैमरा है वो चल चुका है। ये देखिए इस तरह से हमारा कैमरा चल चुका है यहाँ पर। सो कैमरा हमारे फ़ोन में ऐड हो चुका है। तो अभी हम इस पैनल को अटैच करेंगे इस पोल के साथ। तो यहाँ पर देखिए इतनी हाइट पर हमने इंस्टॉल करना है और ये पूरा एरिया है जो कि व्यू करेगा ये कैमरा। ये पूरा खेत है देखिए इतना बड़ा। सो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं स्टील वायर को ताकि हम इसे पोल से अच्छी तरह से बांध सकें। तो पैनल पे हमने अटैच कर दी है और सेम हमें कैमरे पर अटैच करनी है। सो अभी हम पैनल को पोल पर इंस्टॉल कर रहे हैं। तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो पैनल की डायरेक्शन है वो हमेशा साउथ की तरफ रखनी है और जो एंगल है वो 28 डिग्री तक रखना है। इससे पैनल की जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी अच्छी रहती है। तो अब हम करेंगे कैमरे को इंस्टॉल पोल पर और स्टील वायर का वैसे ही यूज़ करना है जैसे हमने पैनल के केस में किया था। सो इस तरह से आपने कैमरे को पोल पर इंस्टॉल करना है। अगर आप स्टील वायर का यूज़ कर रहे हो तो आपने इसे प्रॉपरली फिक्स करना है। बेटर होगा आप ड्रिल का यूज़ कीजिए, बट यहाँ पर लाइट की फैसिलिटी नहीं थी तो इस वजह से हमें पोल पर स्टील वायर का यूज़ करना पड़ा। हाँ जी कोई नहीं, टाइट करवा रहे। सो गाइस अभी मैं आपको इस कैमरे के कुछ फीचर्स बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए अब ये जो कैमरा है वो 360 डिग्री कैमरा है, यानी कि 360 डिग्री पैन एंड टिल्ट हो सकता है। तो इसको आप मूव करवा सकते हो इजीली। जैसे अगर मैं करवाऊँ तो मैं डाउन भी कर सकता हूँ, अप कर सकता हूँ, लेफ़्ट एंड राइट भी इसको मूव करवा सकता हूँ। तो इस तरह से देखिए, तो आप किसी भी एंगल पर इसे मूव करवा सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। और साथ में अब इसमें टू वे कम्युनिकेशन है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका जो माइक है, तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये देखिए आपको माइक ईजिली आपको साउंड सुनाई देगा। अभी हवा का साउंड यहाँ पर आ रहा है क्योंकि वहाँ आसपास कोई भी नहीं है, तो हवा का साउंड आपको सुन रहा होगा। और अगर आपने बात करनी है किसी से, यानी कि आप चाहते हो कि आप कहीं बाहर हो, आप वहाँ से कुछ बोलो और कैमरे से आपकी आवाज़ आए, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कॉलिंग का बटन है, इस पर अगर क्लिक करोगे हेलो, तो इस तरह से वो कैमरे से आपकी आवाज़ सामने वाले को सुनाई देगी। तो ये भी काफ़ी बढ़िया फीचर है। उसके अलावा यहाँ पर स्टैंडर्ड है, मतलब आप हाई डेफिनेशन कर सकते हो। अभी हमने स्टैंडर्ड किया हुआ है क्योंकि वहाँ पर थोड़ी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो इस वजह से स्टैंडर्ड किया हुआ। स्टैंडर्ड में वो स्मूथ चलता है। आप चाहो तो इसको HD भी कर सकते हो, यहाँ से ये देखिए आप HD भी कर सकते हो। तो ये सारे इसके फंक्शंस है। यहाँ पर देखिए प्लेबैक का ऑप्शन है, इस पर अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको प्लेबैक देखने को मिलेगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए SD कार्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर ये देखिए ये आपको प्लेबैक देखने को मिल रही है। तो ये इवेंट रिकॉर्डिंग है, जितनी भी आप इवेंट रिकॉर्डिंग आप देख सकते हो, मतलब कोई भी कैमरे के सामने अगर कोई भी मूवमेंट होगी तो उस टाइम पर जो ये कैमरा है वो रिकॉर्ड करेगा। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए, तो ये जब भी मूवमेंट हो रही है कैमरे के सामने तो कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हो प्लेबैक भी। तो प्लेबैक का काफ़ी ईजी यहाँ पर फीचर दिया गया है। यहाँ पर देखिए अब लाइव व्यू आ गया प्लेबैक की जगह। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये लाइव चल गया, यहाँ पर अगेन प्लेबैक आ गया लिखा हुआ। तो आप इजीली प्लेबैक में भी जा सकते हैं, लाइव में भी जा सकते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। साथ में इसमें आपको प्रीसेट का ऑप्शन मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आप एक पोजीशन सेट कर सकते हो कि फर्स्ट हमारा कैमरा यहाँ पर देखे, उसके बाद आप मूव करवाओ तो इधर आए, देन मूव करवाओ तो इधर आए। तो वो प्रीसेट पोजीशन भी आप सेट कर सकते हो। उससे क्या होगा, आप सिंपली एक क्लिक करोगे और कैमरा उस पोजीशन पर पहुंच जाएगा। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है। बट ये अभी हमने की नहीं हुई क्योंकि कस्टमर ने ये चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है कस्टमर को, तो इस वजह से हमने नहीं की हुई। देन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम सेटिंग के आइकन में जाएं, तो सेटिंग के आइकन में यहाँ पर देखिए सबसे पहले 4G मैनेजमेंट है। अब 4G कार्ड में यहाँ पर आप सिग्नल स्ट्रेंथ देख सकते हो कि कैसी सिग्नल आ रही है, मोबाइल नंबर आप देख सकते हो, देन कैरियर इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हो। देन यहाँ पर देखिए मोशन डिटेक्शन अलर्ट है। अब मोशन डिटेक्शन में देखिए क्या होगा, जब भी कैमरे के सामने मूवमेंट होगी कैमरा तभी रिकॉर्ड करेगा अगर आप इवेंट रिकॉर्डिंग पर सेटिंग करेंगे, और साथ ही कैमरा उस टाइम पर आपको अलर्ट भी भेजेगा। साथ में यहाँ पर मोशन ट्रैकिंग का भी ऑप्शन है और वार्निंग लाइट का भी ऑप्शन है। आप चाहो तो लाइट ब्लिंक करवा सकते हो कैमरे की, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। साथ में सायरन का भी ऑप्शन है, आप सायरन भी बजा सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए अगर हम स्टोरेज सेटिंग में जाएँ, तो यहाँ पर देखिए आपके पास आ रहा है लोकल स्टोरेज स्पेस। तो यहाँ पर अभी 48% हमने यूज़ कर लिया है, 64 GB का कार्ड है तो 48% ऑलरेडी यूज़ है। यहाँ से आप फॉर्मेट भी कार्ड को कर सकते हो, मेमोरी कार्ड को, देन डाउनलोड लोकल वीडियो फाइल्स, ये सब कुछ आप इजीली कर सकते हो। उसके बाद एडवांस सेटिंग में अगर हम जाते हैं, तो यहाँ पर आपको स्टेटस इंडिकेटर, 4G सिग्नल स्ट्रेंथ, टाइम सिंक्रोनाइजेशन, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। तो ये सारी सेटिंग्स हैं इसमें। तो आप ईजिली कैमरे को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो, सारी सेटिंग कर सकते हो।
और साथ में यहाँ पर देखिए इमेज सेटिंग भी है। अगर इमेज सेटिंग पर आप जाओगे तो यहाँ पर नाइट विजन मोड है। अब नाइट विजन मोड में देखिए फिलहाल इंफ्रारेड सिलेक्ट है, इस पर अगर क्लिक करते हैं तो आप इसे फुल कलर में भी कर सकते हो, आप इसे इंफ्रारेड विजन में भी कर सकते हो। तो आप जो चाहो जैसा चाहो उस हिसाब से कैमरे को चला सकते हो। सो गाइज ये थी इंस्टॉलेशन 4G सोलर कैमरे की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने आपको सारी सेटिंग्स के बारे में बताया, हाँ डिटेल में हम नहीं गए क्योंकि कस्टमर की साइट थी, वहाँ पर हम ज़्यादा छेड़खानी नहीं कर सकते, तो इस वजह से हम ज़्यादा डिटेल में नहीं गए। लेकिन आई थिंक आपको सारा समझ में आ गया होगा कि क्या क्या फीचर्स हैं और किस तरह की क्वालिटी ये देता है। मैंने आपको डे विज़न भी दिखा दिया, नाइट विज़न भी दिखा दिया कैमरे का, और कैमरा लगा भी काफ़ी ज़्यादा हाइट पे हुआ, तो आप इजीली क्लैरिटी का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड।